अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। किसी भी प्रकार के भय से मुक्त होकर के भक्ति में अग्रसर होना इस कथा का मूल उद्देश्य इतना ही है कि हम हमारे कर्तव्य को जानें और अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य जिसके के लिए हम आए हैं वह भी जानें कि इस धरती पर हमारा क्यों आना हुआ और आकर के करना क्या है। केवल आ गए, खाया पिया सो गए, पशुवत व्यवहार करके अपना जीवन यही नष्ट करने के लिए हम इस धरती पर नहीं आए। ये धरती माँ हमें अपनी गोद में प्यार से बिठाए, बोझ समझ करके दुत्कारना दी, ऐसे कर्म सिखाने वाले एकमात्र ग्रह एकमात्र देवता वह शनि देव। शनि देव सत्य की राह पे चलाने वाले, इसके साथ साथ सच्ची भक्ति प्रदान करने वाले। भयभीत चोर होता है पुलिस कहीं पकड़े ना जाए, तो इनसे भय केवल उन्हीं को मिलता है जो कि बुरे कामों में अधर्म में लिप्त रहते हैं, जो धर्माविलंबी है उनको तो इनसे किसी प्रकार का भय ही नहीं और ना ही उनके पीछे ये किसी प्रकार की पीड़ा पहुंचाते, सारे कष्ट पीड़ाएं दूर कर देते। शनि देव शत्रुता और मित्रता के दायरे से काफी ऊपर है, ना तो इनका कोई मित्र है ना ही कोई शत्रु, समान व्यवहार सबके साथ, चाहे पिता हो चाहे पत्नी हो चाहे गुरुदेव हो, सबके साथ समानता का व्यवहार रखने वाले और उनके आचरण से उनकी क्रिया प्रणाली से हम सभी को किसी भी प्रकार के मोह में लिप्त ना होकर के भगवान की भक्ति करना ये जीवन चरित्र उनका सिखाता है। तो सबसे पहले हम शनि देव को प्रणाम करें और ये संकल्प भी लें कि प्रभु की भक्ति करते ही रहेंगे, जिससे कि हमारा जीवन का प्रत्येक कार्य सफलता और सिद्धि प्राप्त कर सके। अब कार्य की सफलता कैसे हो प्राप्त हो, किसी का भी कोई भी किया हुआ कार्य सफलता को तब प्राप्त करता है जब भाग्य साथ दे, और भाग्य कब साथ देगा, जब हमारे सत्कर्म होंगे, जब सत्कर्म होंगे तभी भाग्य साथ देगा। दूसरी तरफ श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि भाग्य पीछे है, पहले कर्म